दिल्ली में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को यूथ कांग्रेस मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं। देखिए मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की वजह से उखड़ती हुई सांसें ये गुहार लगा रही हैं कि कोई तो ऑक्सीजन पहुंचा दे, और ये काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास। देखिए तमाम यूथ कांग्रेस ऑफिस में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देगा और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिटिंग करते हुए लोग नजर आएंगे, श्रीनिवास खुद इसको फिट कर रहे हैं सिलेंडर के भीतर, फिल्टर को कि किस तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इनसे बातचीत कर रहे हैं। श्रीनिवास आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, इतने सारे सिलेंडर आप लेकर आए हैं और आप इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आप इसको इसकी फिटिंग कर रहे हैं, कहाँ ये सिलेंडर जाएगा, कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे? देखिए दिल्ली में इस समय में सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत ही हो रहा है ये ऑक्सीजन का। आज आपका टीवी में भी देखा, तमाम न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ किया है, कम से कम 200-300 लोग ऑक्सीजन के वजह से मरा है। एक हॉस्पिटल का आंकड़ा बताना चाहता हूँ, गंगाराम में 25 लोग मरे। मीन सब जगह ये दिक्कतें हो रहा है। अभी क्या हुआ, अभी घर से हॉस्पिटल जाएगा तो वहाँ भर्ती नहीं हो पा रहे, तो घर पे ही लोग वो आइसोलेट होने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, एक सिलेंडर देना, एक सिलेंडर मैनेज करिए। हमने कहाँ कहाँ से मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कैसे ही एक आदमी को मदद हो जाए हमारा तरफ से। मैं देख रहा हूँ कि चाहे लॉकडाउन पहले की बात हो या दूसरे की बात, लगातार आप सड़कों पर निकल कर आपने मेहनत की, आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे खुद कोरोना हो जाएगा। ये बताइए कि कितने घंटे आप सोते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की जो आप मेहनत कर रहे हैं, कितने घंटे सोकर लोगों तक आप मदद पहुंचाते हैं? देखिए ये राहुल गांधी जी का आदेश है, इस समय में पूरा देश भर भारतीय युवा कांग्रेस दिन भर रात लोगों को मदद करना, उनके पास उनका रिक्वेस्ट सुनना, उसको किस चीज़ का ज़रूरत है वो पहुँचाना, सामान पहुँचाना, प्लाज्मा दिलाना, मेडिसिन दिलाना, तमाम चीज़ें का दिक्कतें हो रहा है, बेड हो, ऑक्सीजन हो, तो सब में लोग दिन भर रात काम कर रहे हैं, बट हम काम करने के लिए तैयार है और एक महीने हम सोने के लिए तैयार नहीं है, सोने के लिए तैयार नहीं है लोगों को। बट सरकार भी सुविधा मुहैया कराना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, सरकार इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। इस समय में सारा एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए इनको। अभी सिर्फ हम लोगों के बारे में, एक एक व्यक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, जान जान होता है उसमें, कोई किसी का टैग नहीं लगता है। तो सब मिलके इस कोरोना महामारी को लड़ना, इस समय में राजनीति करने का नहीं है। तो फिर भी सबसे बड़ा दुनिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूसर ही भारत देश है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, फिर भी लोग सड़क पे ऑक्सीजन में मर रहा है, तो बहुत दुखी का बात है, बहुत दुख की बात है। देखिए खुद ये फिट करते हुए आपको नजर आएंगे, जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर से ही सिर्फ आप सांस नहीं ले सकते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरी इसकी फिटिंग होती है और फिटिंग के बाद ही घरों तक ये पहुँचाया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये घर तक खुद यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो घरों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि लगातार हॉस्पिटल्स में और बेड नहीं है, तो घरों में ही लोग अब जो है कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और उन घरों में ये सिलेंडर पहुंचाया जाएगा ताकि लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बचा सके। कोरोना ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन एक तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं श्रीनिवास। बड़ो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 7 दिल्ली।